welcome back our next TV's class. So if students in last class we completely read our chapter number 2nd. Now today we'll doing our tick the correct option. So first number is father and mother are known as parents. Okay, P-A-R-E-N-T-S, parents. Second, parents and their two children make a small family. S-M-A-L-L small, F-A-M-I-L-Y family. पेरेंट्स और दो चिल्ड्रन जहां माता पिता और दो बच्चे मिलकर एक स्मॉल फैमिली बनाते हैं. थर्ड, यू लिव विथ यूअर अंकल्स एंड अंट्स इन अ जॉइंट फैमिली. जे ओ आई एन टी जॉइंट, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट नंबर इज अ फैमिली इज मेड फ्रॉम फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन. देखिए फैमिली उसे बोलते हैं जहाँ पे पापा मम्मी और बच्चे रहते हैं, उसे बोलते हैं हम फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली. सेकेंड, जनरली देयर आर डेज टाइप्स ऑफ फैमिली. सामान्य तौर पर हमारे यहाँ टू टाइप्स की फैमिलीज होती है, टी डब्ल्यू ओ टू. ओके, थर्ड नंबर, अ स्मॉल फैमिली हैज डेज टू चिल्ड्रन. देखिए अब जो स्मॉल फैमिली होती है उसमें दो बच्चे होते हैं. फोर्थ, यू लिव विथ यूअर सी ओ यू एस आई एन एस कजिन्स इन अ जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली में आप आपके कजिन्स के साथ रहते हैं. फिफ्थ, अ डैश फैमिली हैज मोर देन टू चिल्ड्रन. बी आई जी बिग, यहाँ पर आएगा बिग. एक बिग फैमिली में दो या दो से ज्यादा बच्चे रहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट नंबर इज यू लिव विथ यूअर फ्रेंड्स एंड टीचर्स इन यूअर फैमिली. आप आपके परिवार में आपके दोस्तों और आपके टीचर्स के साथ रहते हैं, स्टेट फॉल्स. सेकेंड, अंकल एंड आंट आर नॉन एज यूअर पेरेंट्स. अंकल और आंटी को हम अपने पेरेंट्स के रूप में जानते हैं, स्टेट फॉल्स. थर्ड नंबर इज अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली. स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी जानते हैं, स्टेट ट्रू. फोर्थ, यू लिव विथ यूअर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली में आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मीन्स दादा और दादी जी के साथ रहते हैं, स्टेट ट्रू. फिफ्थ, अ बिग फैमिली हैज ओनली वन चाइल्ड. एक बिग फैमिली में बड़े परिवार में केवल एक ही बच्चा रहता है, स्टेट फॉल्स. सेकेंड क्वेश्चन, मेज द फॉलोइंग. फर्स्ट नंबर इज फादर एंड मदर आर अवर पेरेंट्स, पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स. ऑन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स, एस आई पी एल आई एन जी एस सिबलिंग्स. थर्ड, अंकल सन एंड डॉटर्स आर कॉल्ड कजिन, सी ओ यू एस आई एन एस कजिन्स. पेरेंट्स ऑफ पेरेंट, आंसर इज ग्रैंड पेरेंट्स, जी आर ए एन डी ग्रैंड, पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स. फिफ्थ, एस एम स्मॉल फैमिली, आंसर इज न्यूक्लियर फैमिली, एन यू सी एल ई आर न्यूक्लियर, एफ एम आई एल वाई फैमिली. नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट मीन्स क्वेश्चन आंसर. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली. आप फैमिली से क्या समझते हैं, लिखिए आंसर. अ फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली, सी ओ एम पी आर आई एस ई एस कंप्राइजेस ऑफ फादर, एफ ए टी एच ई आर फादर, मदर एम ओ टी एच ई आर मदर, एंड चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन. देखिए फैमिली वहां होती है जहां पर हमारे पापा मम्मी और चिल्ड्रन रहते हैं, उसे बोलते हैं फैमिली. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉल एंड अ लार्ज फैमिली. स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फैमिली. A family in which parent and one or two children live together, where a big family. देखिए small family वह family होती है जहाँ पर दो
वन और टू, एक या दो बच्चे रहते हैं और माता पिता रहते हैं, उसे बोलते हैं स्मॉल फैमिली एंड अ बिग फैमिली इन विच टू और मोर देन टू चिल्ड्रंस लिव विद देयर पेरेंट्स। जहाँ पर दो या दो से ज्यादा बच्चे रहते हैं और माता पिता रहते हैं उसे बोलते हैं बिग फैमिली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु कैन बी मेंबर्स इन अ ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली कौन कौन मेंबर्स मिलके बनाते हैं, कौन कौन हो सकते हैं? तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कजिन्स। देखिए, जॉइंट फैमिली में माता पिता होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी होते हैं, अंकल होते हैं, आंट होती है, ब्रदर होते हैं, सिस्टर होती है एंड कजिन्स होते हैं। ये सब मिलके हमारी जॉइंट फैमिली बनाते हैं। सो स्टूडेंट, डेट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास वी वर डूइंग अवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, नाइस डे।